अगर हम आपको बताएं कि फर्राटे भरती हुई ये बाइक हवा से चलती है तो शायद आप यकीन ना कर पाएं, लेकिन ये सच है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हवा से चलने वाली ये बाइक बनाई गई है, जिसका हाल ही में पेटेंट भी करवाया जा चुका है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ के महानिदेशक प्रोफेसर भरतराज सिंह ने बताया कि ये बाइक हवा के दबाव से चलती है। नॉर्मल हवा इसके सिलेंडर में भरी जाती है। एक बार हवा भरवाने का खर्चा 5 रुपए आता है। इतने में बाइक 45 किलोमीटर चल जाती है और इसकी स्पीड 70 से 80 किलोमीटर है। आज के समय में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम आदमी त्रस्त रहता है, आए दिन इनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं। ऐसे में हवा से चलने वाली बाइक आम आदमी के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। कमाल की बात यह है कि 45 किलोमीटर तक का सफर तय करने के लिए इस बाइक में सिर्फ 5 रुपए की हवा काफी होती है। इस बाइक की एक और खासियत इसकी स्पीड है। खबरों के मुताबिक इस बाइक की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। हाल ही में इस बाइक के लिए भारत सरकार ने पेटेंट भी जारी कर दिया है। हवा से चलने वाली इस कमाल की बाइक के बारे में लखनऊ के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के महानिदेशक प्रोफेसर भरतराज सिंह ने कहा कि ये बाइक हवा के दबाव से चलती है। नॉर्मल हवा इसके सिलेंडर में भरी जाती है। एक बार हवा भरवाने का खर्चा 5 रुपए आता है। इतने में बाइक 45 किलोमीटर चल जाती है। इसकी स्पीड 70 से 80 किलोमीटर है। बताया जाता है कि भरतराज सिंह इसके पेटेंट के लिए पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाल ही में उनको सफलता मिली है जब भारत सरकार ने उन्हें पेटेंट दे दिया है। हवा से चलने वाली इस बाइक को अगर अजूबा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। सिर्फ 5 रुपए के खर्च में 45 किलोमीटर की दूरी तय करने का मतलब है कि इससे पेट्रोल के मुकाबले काफी कम लागत में अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। अभी इस मोटरसाइकिल के मास प्रोडक्शन के बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन यदि ये तमाम सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती है तो प्रोफेसर भरतराज सिंह के साथ साथ पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।